आज हम आपको जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं वो है मिस्ट कूलर। भोरेलाल जी सैनी हैं, टेक्नीशियन आरएसी के अंदर। ये आपको बताएंगे कि मिस्ट कूलर के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे आप पहले देखें इसके अंदर कि एक डिस्क है इसके अंदर, ये जो आप दिखा रहे हैं, हाथ से घुमा कर दिखाएंगे इसको। ये आप देखिए, ये डिस्क है जो कि बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर रोटेट होती है, और पीछे से इस डिस्क के ऊपर पानी जो है वो बहुत ही महीन फुहारों के रूप में इसके ऊपर पानी आता है। तो पहले आपको दिखाते हैं इसके अंदर पानी हम कहाँ से भरते हैं। तो आप देखिए, इस कूलर का बैक साइड है, इस बैक साइड के अंदर एक ट्रे दे रखी है, जिस ट्रे के अंदर से हम इस मिस्ट कूलर के अंदर पानी को भर सकते हैं। तो यहाँ से ये पानी इसके अंदर डाल रहे हैं। ट्रे को बंद कर दिया। इसी में आप पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो एक कनेक्शन दे रखा है जहां अपन परमानेंट पाइप लगा के इसको भर सकते हैं पानी को। तो आपको बार बार ट्रे में पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसको आप आपके जो भी सप्लाई है उस सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो फ्लोट वाल्व इसमें लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली पानी इसमें भरता रहेगा। एक और जो पीछे इसमें नॉब आपको दिख रही है, इस नॉब के द्वारा यहाँ पर आप मिनिमम लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसे इसको दूसरी साइड में घुमाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, कितना पानी आपको स्प्रे करना है। इस स्प्रे पानी की क्वांटिटी हम इसके द्वारा रेगुलेट कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से काम करता है। इसमें आप देखें ऊपर की तरफ एक स्विच दे रखा है, पुश बटन, जिसकी सहायता से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसको स्टार्ट कर दिया। ये आप देखें बहुत बारीक फुहारों के रूप के अंदर, वीडियो में आपको दिखेगा भी नहीं ये इतनी बारीक फुहारें हैं, मगर जब इसके सामने आप खड़े होंगे तो आपको एहसास होगा कि एकदम फाइनली एटोमाइज्ड, एकदम बारीक फुहारों के रूप के अंदर यहाँ से ये पानी बाहर आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्प्रे वाटर की क्वांटिटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं, पीछे जो रेगुलेटर दिया हुआ है उसके द्वारा इसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये इसमें नीचे एक स्टैंड है जिसकी सहायता से आप चाहें तो इसको जमीन पर रख सकते हैं, और या चाहें तो इसको सीलिंग के साथ में हैंग भी कर सकते हैं। आप देखें, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ वीडियो के अंदर आपको। ये आप देखें, यहाँ से आपको बहुत ही बारीक फुहार है, ये वीडियो के अंदर भी विजिबल हो रहा है कि इस डिस्क के चारों तरफ से जो है बहुत बारीक फुहार है, यहाँ पर ये निकल रही है। तो ये जो कूलर है ये एवापोरेटिव कूलर का ही एक प्रकार है, जिसको हम डेजर्ट कूलर बोलते हैं उसका ये प्रकार है। और ख़ास तौर पर इसको आउटडोर एप्लीकेशन के अंदर, बाहर जैसे आपके गार्डन है, गार्डन रेस्टोरेंट है, या कोई पैरिस फंक्शन है, तो आउटडोर एप्लीकेशन के अंदर इन कूलर को बहुत काम में लिया जाता है। और कमर्शियली इन कूलर्स को मिस्ट कूलर, मिस्ट का मतलब होता है बहुत बारीक फुहार है, मिस्ट कूलर के नाम से इनको जाना जाता है। और ये अलग अलग कैपेसिटी के अंदर, बड़ी साइज के अंदर, छोटी साइज के अंदर, हर कैपेसिटी के अंदर अवेलेबल है।